डॉक्टर राहुल हूँ तो साथी, और ये जो टी आपको दिखा रहे हैं जो मुझे पीठ की सबसे एक्सीडेंट है और सबसे महंगी आज बाजार की तो ये बिकी, तो ये 1,00,000 तो 30,000 की बिकी शादी 1,35,000। हाँ तो ये 1,35,000 की लगभग कुछ बिकी, तो थोड़ा अपना उम्मीदा कर ले करो क्योंकि मतलब रेट ऐसे पक्के नहीं है, कोई कुछ बताते कोई कुछ। और ये मतलब क्या बन कितनी है, 5 महीने की? 2.5 महीने। हाँ तो 2.5 महीने क्या बने और दूध है, पर लेकिन इतनी हाइट हो इतनी ऊंची लंबी झोटी साथी हो पाती नहीं। 10 किलो दूध है और 10 किलो दूध 10 किलो है। हाँ ब्याज की है भाई, और ये हरियाणा जा रही भाई यहाँ से, ये भाई है जींद के हो ना आप? हाँ तो जींद भी जा रही भाई, तो यहाँ से ब्याह ले जाते हैं तो बांध देते हैं और फिर ताजी फेंक देते हैं। सबसे सीनियर साथी और वीडियो में बने रहे, पूरी आपको जो बात भैंस है उनकी आपको वीडियो दिखाएंगे, और अतैया भी है यहाँ साथियों तो वे पास करके देते हैं, कोई भी मतलब धोखा धोखी कोई भी झूठ बांध नहीं है, और नीचे जो मतलब धार है तो वो नीचे मार के तो ये पास कर ले, कोई झिरकी तो नहीं कोई टोकर तो नहीं, वो लेते हैं साथियों वीडियो में साथियों, तो ये बने रहे साथियों। आज जो तो ये भैंस देख रहे हो आप बाजार की, तो ये मंडियाई की है और सबसे सीनियर भैंस है साथियों, और इससे ऊपर झोटी कोई नहीं है, और आज ये बिकी है। तो ये ली ओनर कौन है इसका, तो संभालिक कौन है, तो ये हरियाणा जा रही है साथियों आज, और हरियाणा में इतनी हाइट की और ऊंची लंबी झोटी साथियों बहुत ही कम मिलती है, तो मिलती है तो उसके जो दाम आसमान में, तो देखो इतने मेरे ख्याल से 30,000 तो हो गया तो तीसरा है साथियों, और ये सारी बात एक बार बुझेंगे कि कितनी क्या बन है और कितना दूध है, और जो इसका पुट्ठा पूछ दो ये देखो साथियों थोड़ा। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। वो अपना नाम बताओ एक बार, मुँह लगाओ जी है। अच्छा अच्छा आप लगा तो ये आपने बेची बेची है हैं? बेच दी। अच्छा बेच दी। हाँ कितने की बेची? 1,40 की। अच्छा अच्छा 1,40 की। तो ये कितने किलो दूध की है? 24-25 किलो दूध की। 24-25 किलो दूध दे। अच्छा हाँ तो जो ताजी। हाँ ताजी। अच्छा 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 तो ये बहुत बढ़िया, तो ये बाजार में ले आके आपने तो बेच दिया। हाँ अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। मेरा नाम मनदीप गांव गुलकणी जिला जींद। जी जी जी। और मतलब आप तो ब्याह लेते हो? हाँ ब्याह पास बेचता है। साथियों तो ये भाई है और अब नौजवान साथी है, अभी साथियों बच्चा है, उम्र होगी 20 साल। हाँ तो 20 साल की है जो मेरा जो अनुमान सही लिख रहा है। तो जो भाई ने देखो इतना अच्छा पशुधन लिया और जो मतलब पूरे मेले की मतलब हमारी मंडी बाजार की सबसे एक्सीलेंट तो ये साथियों तो ये भैंस है, और नीचे से भी आपको एक बार इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, नीचे देखो एक बार मुठिया थन है जी क्या कहने एक्सीलेंट, और इसकी पहली तरफ से भी आपको एक बार अडर थन दिखाऊंगा, देखो यहाँ से बिल्कुल अच्छी। तो साथियों ये इधर से इधर इधर ठीक है साथियों, ये नस ये जड़ है अच्छे बढ़िया और थनक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छी एक्सीलेंट देखो, और वजन की भी साथियों तो वजन की भी भारी भरकम है, और आपको तो भाई जी तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो आप हर बाजार में रहते हो? हर हफ्ते। हाँ तो हर हफ्ते बाजार लगता है तो सोमवार का मंडियाई का। हाँ। तो यहीं से लो या कोई और भी बाजार करो? ना और कोई करते ले। अच्छा तो ये जो पारसी पीट लगती है वो तो ताजा हुआ, तो यहाँ से बाहर खड़ी गई आप 100 किलो और कटिए हो गए? तो जो कटिया पहली बार लेके थे तो ले रहे तो बेच दी घर? हाँ सारी। तो सारी घर रोक लो और तेरा भला हो जाए तो फिर ब्याज पे बेचोगे? अच्छा अच्छा। और तो जो व्यापारी को मतलब बेचो व्यापारी को बेचो या कोई बाहर का व्यापारी आ आवे जैसे कि आंध्रा वांद्रा या मुंबई या झारखंड मतलब जो आपस में ले दे लो? आपस में ले ले। अच्छा 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 अच्छा। और किसान? हाँ किसान भाई देखो तो अपनी रोजी रोटी है भाई, आदमी कोई भी काम करता है तो अच्छा है अपना जो करके खाओ कोई गलत काम ना करो। हाँ। और अपनी रोजी रोटी है 2 रुपए बनाओ तो, पर ये आज के बाजार की सबसे सीनियर है रोटी। हाँ, आज के बाजार की सीनियर है हमारे। देखिए साथियों आज जो ये हमें भी लगी और ये दूसरी आपको और झोटी दिखाते हैं और इधर। अच्छा भाई जी ठीक है धन्यवाद। ठीक है देखो साथियों इधर देखो ये एक झोटी ये खार के देखो ये क्वालिटी एक बार क्या कहने, यहाँ से देखो एक बार जो परख लो भाई इसको कितनी ऊंची और कितनी हाइट कितनी जो क्वालिटी है। तो ये क्या बन होगी, तो ये लेट क्या बन होगी? 4 महीने। तो ये 4 महीने की क्या बन है साथियों, ये लेट हुई होगी क्या बन? तो लेट हो गए तो थोड़ी लेट हो जाए, पर लेकिन मतलब झोटी में कोई मतलब गुंजाइश नहीं भाई, अच्छी तरह देखो एक बार लंबाई हाइट और क्वालिटी यार पूरी भैंस हो रही। तो ये कहनी भर रही मेरे हिसाब से कहनी भर रही कहनी है साथियों बहुत अच्छी झोटी, पर ये भाई किसी ने रोकी तो हिम्मत का काम है जो इतनी जो रोकी तो साथियों आ जाओ और आपको बाखड़ी भेज ऊपर आ गए कि आगे बने वीडियो में और दिखाते हैं। देखो इधर देखो भैया
सारी सारी वैसे दूध वाली है। बनाओ जी, बनाओ। बना बना जी, देखो ये अच्छी छोटी है, हमने ली तो बेची ली है जी, ली है। कितनी है? यावन 6 महीने की है। तो यही बेचोगे या कहीं जो ले जाके? मेरठ जाएंगी। अच्छा, और बाजार में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, बाजार में सब फिट फोर। हाँ सब बढ़िया। अच्छा, और तो ये 6 महीने की बन जी, तो ये आपने कितने के लिए? 95,000 के लिए। 95 के लिए। अच्छा, और वो कटिया है खारक वाली? वो खारके के लिए हमने एक बार खोल के दिखा, 1-10 की। अच्छा, तो क्या बने हो? 4 महीने की है। 4 महीने की? अच्छा, 4 महीने की बन। तो एक खोल के दिखाओ भाई, एक बार। 4 महीने की बन है भाई ने ली। तो ये कान नहीं भरी हो गया था? हाँ भरी भी है, ब्याह बार रखा है। अच्छा अच्छा, ब्याह। देखे साथियों, क्या कहने भाई, जो है तो जो है, एक आंख जो कह रही है भाई। दोनों में आपका जवाब है। अच्छा अच्छा, घुमाओ 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 घुमाओ, थोड़ा घुमा के बांधो। तो साथियों, ये जो बाजार है आपको बता दूं, सारी भैंसों का आखिरी गई है, कोई मतलब यहाँ पे मतलब ताजी तो जो बहुत कम है भैंस आती है। हाँ, और आप पीट मालिक हो जी आप सब? हाँ, मैं आप पीट मालिक हो गया? आप भैंस मालिक है। तो जी आपका तो मेरे ख्याल से सोमवार का ही काम है, मतलब लेके आते हो, तो भैंस कहाँ से लेके आते हो ज्यादातर? नहीं, इसे लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ से खरीद के तो फिर बेचते हो जाके? अच्छा अच्छा, तो जो कितनी भैंस खरीदते हो आप? खरीद लें दो मिल जाए, दो खरीद लें, चार मिल जाए, चार पांच मिल जाए, पांच। अच्छा अच्छा, जो मतलब वो तो जो मौके की बात है, जो मजदूरी की मिल जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इरफान रहने वाले, आप कहाँ के हो? मेरठ। अच्छा, आप मेरठ के हो, धन्यवाद। तो ये इरफान है जी साथियों। तो यहाँ से जो ऐसे व्यापारी भाई आते हैं, जो बहुत आदमी तो यहाँ से भेज लेते हैं, तो इधर ही भैंस पकड़ी और। हाँ चलो साथियों, इनके साथ ले लो यार भैंस की। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी आगे दिखाते हैं साथियों आपको, एक से एक भैंस है। देखे साथियों, इधर से भी सारी झोटी है, बाखड़ी है, इनमें कोई इतनी अच्छी अच्छी खास खुश नहीं है। चलो जी नमस्कार जी। तो जो भैंस पास करो आप यहाँ, तो कोई ऐसा ही तो नहीं आपको झूठ तूफान या कोई बात है जिसकी जैसी ऐसी बताओ? झूठ तूफान नहीं, मतलब क्या दिन की बता? जितने दिनों की है इतने दिनों की बतलाई जाके। नहीं मतलब कोई ना कहता है जी, आप मतलब कुछ ऐसे भी आदमी हो कि साहब हमारे पास 2-4 हज़ार रुपए ले लो, झूठ बोल दो। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? सब रहेगा उसका भला थोड़ा ही हो, झूठ बोलने वालेगा। सही बात। हाँ जी, कर्जदार। हाँ जी, जो किसी के 10 रुपए लेके बैठेगा, हाँ वो औरतों की तरह घूंघट काल के चलेगा, वो मर्दों की तरह नहीं चलनेगा। अरे वाह, और झूठ जो बोल लेगा वो कभी फरबे नहीं होने का, वो कभी हमेशा मतलब ऐसा है ऐसा ही रहेगा, जो कोई भिखारी हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो जी, हर तरह की दुनिया है, वो हिंदू मुसलमानों में भी ईमानदार भी है और बदतमीज बेईमान भी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात कही, बस बहुत बढ़िया। भाई देखो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो शफीक अहमद प्रधान। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला मीरापुर का, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अच्छा। मतलब पर आपने अच्छी बात बताई जी, ठीक ठीक। देखो साथियों, इधर देखो ये झोटी कितनी अच्छी है और कितने मतलब बढ़िया तुम है। ये सब बाकड़ी है, सारी बाकड़ी है। इधर आ भाई, तो साथियों बहुत बढ़िया भैंस है बाकड़ी। चलो चलो थोड़ी सी घुमा दो, थोड़ी सी आगे कहाँ बढ़ाऊंगा तारी। देखो साथियों, ये जो कितने गजब की भैंस है, बहुत अच्छी है। एक बार आपको नीचे दिखा दूं, क्या कहने भाई। देख लो जो साथियों, तो ये कैसे है, क्या चीज है, मतलब ये तो कितनी ब्याई है, क्या है? 3 महीने की गबन। अच्छा, तो 3 महीने की तो क्या बना है उसके? 11 किलो बच्चा चोकर के दूध देती है भाई। 70,000 रुपये मांग रहे साथियों। और दूध कितना होगा? दूध 11 किलो। अच्छा, दूध 11 किलो, 11 किलो तो भाई भैंस में 3 महीने 51 है। हाँ, और चोकर पर दूध देती है दोनों टाइम। अच्छा, मतलब कुनाज बाज नहीं डालते? ना ना, चोकर पे घेरते, एक मुट्ठी चोकर घेरते कर लेते। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आप बेच ले रहे तो दे रहे? हम बेचना है भाई गाजियाबाद से। अच्छा, आप गाजियाबाद के हो? जी जी जी। ये डेयरी की होगी भैंस? हाँ जी, डेयरी की भैंस। हाँ, रंगलाल से हो रहा है ना इसका? जी जी जी। अच्छा, तो हर सोमवार को आते हो आप? जी जी जी। और ये भैंस कितनी लेकर आते हो यहाँ पे? भैंस लाए थे भाई आज 5 हम। अच्छा, बाकड़ी? 5 बाकड़ी थी भाई। तो ताजी तो नहीं आती है? ताजी आती, पर आती एक तो आ जाती है, लेकिन बाकड़ी आती है। पर लेकिन जो ताजी का तो जो बाजार है तो वो पारसी है। जी जी जी। हाँ, तो जो पारसी पीठ है तो वहाँ आती है साथियों ताजी। तो जी जी। तो वो 70,000 रुपये मांग रहे इसके? जी भाई साहब। अच्छा, चलो साथियों देखो, तो यहाँ अच्छी और आज की जो तो बाजार की सीने झोटी कितने की बिकी होगी बाकड़ी? 1.5 लाख तक की बिकी है बाकड़ी में। हाँ जी हाँ,
तो यहाँ भी एक चीज आ जा, एक लाख की तो हमने बेची बाकी पैसा। अच्छा 98,000 रुपए की बिकी हमारी पैसे भी। अरे वाह, तो लाख ही मानो, 2,000 थी 98,000 की बिकी है। अच्छा अच्छा, और तो यहाँ कोई है तो जो आगे झोटी सीनियर, तो झोटी खड़ी हो? ऐसा कोई नहीं, यहाँ तो पता नहीं क्या बाजार, तो बाजार खत्म होने का दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ठीक है, तो साहब इधर से देखो आप, इधर सारी बाखड़ी सारी, और तो साथियों आओ यहाँ पे बाखड़ी भैंस भी मिलती है काफी अच्छी अच्छी, एक से एक। सारी क्या बनी है साथियों, जो जो मतलब क्या बनी अलग अलग है और वैसी पीठ अलग अलग है। क्या थोड़े चले लो साथियों, एक 3 किलो छोटे ऐसी वह दूध देख रहे भाई, देखो साथियों क्या, तो 3 महीने पास, और कितना दूध? 8 किलो। और रुपए? रुपए 52,000। अरे 52,000 बहुत के? अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। देखो तो साथियों इधर है, ये आपको फिर एक बार वो मैं परिचय दे दूं कि मंडी आई, तो ये पीठ है जो बिल्कुल सरधना यहीं बिल्कुल पास में है। देखो ये आप जो सामने फैक्ट्री देख सकते, सरधना 2 किलोमीटर पे है, और फिर ऐसे रोड जा रहा है तो ये मेरठ और शामली का रोड है। और साथियों आपके लिए इतनी वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत जो करते हैं, तो ज़्यादा लंबी ना करें वीडियो को, छोटी बता दें। और पहली तरफ जो वो बाजार लग रहा था, तो वो बाजार जो कटिया होगा, और इधर सब ऐसे है जो ये पहली तरफ है, तो ये 3% में होता है, तो वैसी जो मतलब खाली भैंस है उसका बाजार उधर है। तो साथियों बताना हमारी आपको ये वीडियो तो ये कैसी लगी, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब और लाइक भी करो, जो हमारा यूट्यूब परिवार है, और जो फेसबुक परिवार है, फेसबुक पर देख रहे हो तो इसको फॉलो करो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान।